किसान भाइयों नमस्कार, मैं दशरथ कुमार शर्मा। आज की हमारी जानकारी है कि किस प्रकार से हमारी भिंडी, मिर्ची और टमाटर में नेमेटोड की समस्या आती है, उसके लक्षण क्या होते हैं और इसका निदान हमें कैसे करना चाहिए। आप मेरे हाथ में एक पौधा देख रहे होंगे, ये भिंडी का पौधा है और इस भिंडी के पौधे में आप जड़ में गांठें देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये गांठें बनी हुई हैं। इस प्रकार की जो गांठें होती है मिर्ची, टमाटर, बैंगन और भिंडी में, ये काफ़ी ज़्यादा बनती हैं और इसका मुख्य कारण होता है एक नेमेटोड, जो है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा नेमेटोड होता है। वो नेमेटोड यहाँ जड़ से अंदर जाके और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाता है और गांठें, इस कारण से गांठें बन जाती हैं। यह समस्या सब्जी वाली फसल में बहुत ज़्यादा है, मुख्यतः टमाटर, मिर्ची, बैंगन और भिंडी में यह समस्या आती है। जहाँ पे हमारी लाल कंकरीली मिट्टी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आती है और वहाँ पे नेमेटोड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के अगर लक्षण हमें दिखाई दें, हमारा पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी नहीं हो तो हमें एक बार पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ों को भी चेक कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की जड़ों में गांठें तो नहीं हैं। अगर गांठें हैं तो फिर हमें नेमेटोड के नियंत्रण के लिए कोई कारगर दवाई या कारगर हमें निदान करना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बढ़िया निदान के लिए मुख्य चीज़ है नेमेटोफ्री। आप नेमेटोफ्री को 1 किलोग्राम पर बीघा के हिसाब से नेमेटोफ्री की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं या उसको किसी खाद के साथ में मिला के दे सकते हैं। ये हमारा जैविक तरीका हुआ। इसके अलावा आप डेनिटोल का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूरी कार्बोफ्यूरन का यूज़ कर सकते हैं और वेलम प्राइम जो आता है, वेलम प्राइम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए आप कि ये बीमारी आने से पहले ही, ये कीट आने से पहले ही, यानी कि नेमेटोड आने से पहले ही आपको इसका निदान कर लेना चाहिए। क्योंकि हर साल अगर आपको लग रहा है कि हर साल ये समस्या आ रही है तो इस समस्या का निदान हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-7566 पर या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 7692840789 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।